मैं टर्नोपिल में रहती थी और वहाँ पे 24 तारीख से बहुत हालत ख़राब हो गए थे, सायरन बज रहे थे। तब 24 तारीख को जब पहला हमला हुआ था कीव वगैरह में, तो हम सब बहुत डर गए थे। वहाँ पे हमको अलर्ट करने के लिए सायरन बजाए गए थे, तो उससे हमको इतना डर लगा था, हम रात भर सो नहीं पाए थे। पोलैंड से तो इंडियन गवर्नमेंट ने हमारी बहुत हेल्प करी, इंडियन एम्बेसी ने हमारी बहुत हेल्प करी। वो लोग हमको फ्री ऑफ कॉस्ट दिल्ली तक लेकर आए पूरा। कि पीएम मोदी जी है तो सब मुमकिन है, उनकी वजह से ही आज मैं मेरे घर पे आ पाई हूँ और मेरे घर वालों के साथ हूँ। वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी फंसे हुए हैं, नीचे बंकर में हैं, बहुत से बॉर्डर पे लापता भी हो गए। तो मैं बस भारत सरकार से यही अनुमति करती हूँ कि वो है ना, जल्दी से जल्दी उन सबको भी रेस्क्यू करके छुड़वा कर वहाँ से लेकर आए। हाँ, यूक्रेन तो पूरा तहस नहस हो गया है, वहाँ की सारी पॉपुलेशन, कितने लोग मरे हैं। 5-6 दिन तक हमें खाना ना मिला, ना पानी मिला हमें। जब तक हम पोलैंड नहीं पहुँचे इंडियन एम्बेसी के पास में, तब तक हमें कुछ नहीं मिला। कि मैं भारत सरकार की बहुत प्रशंसा करती हूँ, उन्होंने जिस तरह हम सबको छुड़वा कर लेकर आए, आगे भी वो इसी तरह हम सबकी सहायता करेगी और जो बच्चे बचे हैं उनकी भी हेल्प करेगी। मेरी बेटी 5-6 दिन से वहीं थी, यूक्रेन युद्ध में फंसी हुई थी। वो जैसे ही इंडियन एम्बेसी के पास में आई, उसके बाद हमें थोड़ी राहत मिली और हमें बहुत खुशी है कि हमारी गवर्नमेंट मोदी जी ने बहुत सहयोग किया और मुझे उसे घर तक पहुंचने में बहुत हेल्प करी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारी सरकार को और हमारी एमबीसी को कि उन्होंने बच्चों को सेफ घर पहुंचा दिया हमारे पास और आज हमारे बीच है। वो अच्छा लग रहा है मुझे और हमारे पूरे परिवार के साथ आज वो साथ में है, खुशी हो रही है मुझे बहुत। मैं सरकार से यही कहना चाहूँगा कि बाकी बच्चों को भी वो जल्दी से जल्दी ले आए। सभी माता पिता अपने बच्चों के लिए बहुत परेशान हो रहे हैं, उन्हें गवर्नमेंट अपनी इंडियन एम्बेसी जल्दी से जल्दी उन बच्चों को इंडिया ले आए वापस। बस यही प्रार्थना करते हैं भगवान से और सरकार से। तब तो बहुत हालत ख़राब थी, ना दिन का चैन था ना रात की नींद थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या होगा, बेटी कैसे घर आएगी। जब इसको इंदौर एयरपोर्ट पर देखा तब से थोड़ी सी मेरे को राहत मिली, थोड़ा सा मेरे को ऐसे लगा कि मेरी बेटी मेरे पास आई है। बाकी हमने बीते 4-5 दिन तो बहुत तकलीफ़ में निकाले, हमारा खाना पीना सब, नींद वगैरह सब ख़त्म हो गई थी। तो बहुत अच्छा लग रहा है, आगे भी जो बच्चे फंसे वो भी सब आ जाए और अपनी मम्मी के पास आ जाए, बस यही चाहते हैं हम।